हिंगनघाट तालुका के जानकी में नाले पर बना पुल अचानक ढह जाने से एक घटना घटी है और एक दादा और उनकी पोती बह गई है। कानगांव के बाजार कर जानकी लौटने के दौरान यह घटना घटी है। इस घटना की जानकारी मिलते ही विधायक रंजीत कामले ने कलेक्टर और प्रशासन को इसकी जानकारी दी। रेस्क्यू टीम को तुरंत मौके पर भेजने के निर्देश दिए गए। बहने वालों के नाम लाला सुखदेव सिरपम उम्र 55 वर्ष और नायरा साठो ने उम्र 9 वर्ष है। जिले में शनिवार शाम से भारी बारिश हो रही है और इसी बारिश के कारण जिले में नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। चांकी स्थित नाला भी उफान पर है। इस नाले पर बना पुल पहले भी भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन उसकी मरम्मत कर दी गई थी, लेकिन कल की बारिश ने उसे फिर से बहा दिया है और एक हादसा हो गया है जिसमे दादा और पोती बह गए। विधायक के निर्देश के बाद थाना स्टाफ और राजस्व विभाग का अमला मौके पर पहुंच गया है और पानी में बहे दोनों लोगों की तलाश कर रही है। एनबीसी न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि येनुरकर की रिपोर्ट। हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।